हेलो फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है रेबिट में स्ट्रक्चर टैब में स्ट्रक्चर का कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं अपने प्लानिंग में, ग्रिड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेस कैसे लगाते हैं, कॉलम कैसे लगाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, स्ट्रक्चर टॉपिक। तो ये वीडियो हम अपने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लान क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल लिया हमने और यहाँ से हमने हाइट डिफाइन कर दी, और ऐसे करके हमने क्या किया, इसमें वॉल में प्लानिंग क्रिएट कर दी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने एक वॉल से पूरा प्लान क्रिएट कर दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम जो टूल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ सबसे पहला टूल हम ग्रिड लेते हैं। तो ग्रिड हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ड्रॉ में लाइन टूल लेना है या पिक लाइन टूल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन लेके आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वॉल के सेंटर से ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करना है। ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए सारी ग्रिड्स हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम ऐसे वर्टिकली भी इसको ड्रॉ करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ से ग्रिड लाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब इनको हम यहाँ से रिनेम भी कर सकते हैं। ग्रिड हमारी क्रिएट हो चुकी है, फिर इस पे डबल क्लिक करके जैसे इसको ग्रिड की नेमिंग करनी है, ए बी सी एंड डी। तो हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को अलग अलग नाम से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब फ्रेंड्स हमको करना क्या है, इसमें हमें कॉलम्स को प्लेस करना है। तो कॉलम्स को प्लेस करने के लिए कॉलम ऑप्शन लेंगे। यहाँ से देखिए अभी स्टील का कॉलम आ रहा है, आपको कॉन्क्रीट का कॉलम चाहिए तो आपको गाइस जाना कहाँ है, लोड फैमिली में। लोड फैमिली में जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कॉलम फोल्डर्स, या आप यहाँ पे एक देख रखा होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम फोल्डर अलग से दे रखा है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के लिए। तो गाइज हमने यहाँ से कॉलम्स को सेलेक्ट किया, देन हमें किस टाइप का कॉलम चाहिए, टाइप्स ऑफ कॉलम्स यहाँ पे प्री डिफाइंड पड़े हुए हैं। हमने यहाँ से कॉन्क्रीट का कॉलम ले लिया, हमें रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए, सर्कुलर कॉलम चाहिए, कैसा कॉलम चाहिए, यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है। गाइज आपको प्लेस करने का तरीका क्या है, यहाँ से एक एक कॉलम की यहाँ से हमने ऑफसेट वैल्यू भी डेप्थ भी दिखा रखी है। तो एक एक कॉलम लगाना है तो आप सिंपल से कॉलम के सेंटर लाइन पे ले जाके क्लिक कर देंगे तो कॉलम लग जाएगा। बट आपको एक साथ पूरे स्ट्रक्चर में कॉलम्स लगाना है तो आपको करना क्या गाइस, ऐड ग्रिड ऑप्शन लेना है और साथ में ग्रिड लाइंस को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिनिश। तो जैसे ही फिनिश करते हैं कॉलम लग गया, अब हम जाके 3D व्यू में देखते हैं। लेकिन कॉलम आपका लगा है वो क्या है, पर्टिकुलर आपका फ्लोर प्लान से नीचे की तरफ कॉलम आपके लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेवल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है कॉलम्स को, और यहाँ से बेस लेवल है एंड टॉप लेवल है। तो टॉप लेवल आपका लेवल 2 हो जाएगा, बेस लेवल आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप 0 और टॉप लेवल को सेलेक्ट करते हैं, देखो कॉलम अपनी पोजिशंस में यहाँ से डिफाइन हो गया। अब कुछ लोगों के डाउट्स होंगे कि कॉलम्स तो हमने लगा दिया सर, इसमें इसको अलाइन कैसे करना होगा। तो सिंपल से आपको कॉलम को अलाइन करने के लिए अलाइन टूल लेना है, वॉल को सेलेक्ट करना है, कॉलम का फेस क्लिक कर देना है, वॉल को सेलेक्ट करना है, कॉलम का फेस क्लिक कर देना है। तो इस तरह से कॉलम्स को आप वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग अलाइन करा सकते हैं। तो AL प्रेस होता है अलाइन टूल के लिए, AL प्रेस करना है ये और ये, देखिए कॉलम्स आपके आप अलाइन होते जा रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बीम्स क्रिएट करनी है। तो बीम्स क्रिएट करने के लिए हमें गाइस करना क्या है, यहाँ से बीम ऑप्शन लेना है। बीम ऑप्शन लेने के बाद यहाँ से स्टील की बीम आती तो स्टील बीम आपको यूज़ कर लेना है, अदरवाइज आपको कहाँ जाना है, लोड फैमिली में। लोड फैमिली में जाएंगे, वापस हम स्ट्रक्चरल फोल्डर में जाते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे दे रखा होगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, इसमें आपकी कॉन्क्रीट में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्क्रीट की रेक्टेंगुलर बीम है हमने सेलेक्ट किया। अब लगाना है लेवल 2 में, तो लेवल 2 में गए हम।
हमने यहाँ से बीम ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो वन बाई वन लगाना है, तो P1 से P2 तक आप मैन्युअली क्लिक करेंगे तो बीम आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको एक साथ पूरे स्ट्रक्चर में बीम्स लगाने हैं तो बीम ऑप्शन लेना है, यहाँ पे आएगा ऑन ग्रिड, तो ग्रिड लेके सारे ग्रिड्स को एक बार में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ में हमारी सारी बीम्स क्रिएट हो गई हैं। अब एक वॉल हम यहाँ से डिलीट करके आपको दिखा सकते हैं, कॉलम बीम का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। अब इसी को डायमेंशन सेट करना है, तो सेलेक्ट करके एडिट टाइप से इसकी डेप्थ और हाइट यहाँ से स्पेसिफाई आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है इसमें आपके पास बीम सिस्टम। आपको अगर बड़ा सा आपका कोई भी हॉल है उसमें आपको पर्लिन टाइप की बीम्स क्रिएट करनी है, तो यू कैन यूज़ बीम सिस्टम ऑप्शन। तो आपको बीम सिस्टम यहाँ से सेलेक्ट करना है गाइस। अब दो तरीके आते हैं, ऑटोमेटिक स्केच। ऑटोमेटिक में यहाँ पे आपने फिक्स्ड डिस्टेंस यहाँ से स्पेसिफाई कर देनी है, या नंबर ऑफ बीम्स कितने चाहिए वो स्पेसिफाई कर देना है, तो ये उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बीम सिस्टम से बीम्स क्रिएट कर देगा। ये देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल बीम चाहिए या वर्टिकल, तो जिस फेस पे क्लिक करेंगे उसके अबाउट बीम्स क्रिएट हो जाएंगे। हमको यहाँ पे 3 बीम चाहिए तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 3 दे दिया और क्लिक कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बीम सिस्टम से बीम क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका, आपको वॉल फाउंडेशन यूज करना है, तो सिंपल से आपको वॉल फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है और वॉल का बॉटम एज पे क्लिक कर देना है। वॉल के बॉटम एज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए एक तरह से यहाँ पे टाई बीम की तरह ये क्रिएट कर देगा। फिर डायमेंशन तो आपको पता ही है गाइज, एडिट टाइप से जाके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आइसोलेटेड फाउंडेशन, तो आइसोलेटेड फूटिंग लिया, देन लोड, और वापस हम जाएंगे लाइब्रेरी में, यहाँ से हम स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस पे जाएंगे। रेक्टेंगुलर फूटिंग चाहिए, जिस टाइप की चाहिए यहाँ पे दे रखी है, रेक्टेंगुलर फूटिंग लिया। एक एक फूटिंग लगानी तो वन बाई वन क्लिक करिए, अदरवाइज एट ग्रिड में आपको लेवल वन पे रहते हुए सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके फाउंडेशंस भी आइसोलेटेड क्रिएट हो गए हैं। सेकंड, आपको अगर इसमें आपको फाउंडेशन स्लैब यूज़ करना है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन स्लैब है, स्लैब ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया गाइस, और ड्रॉ टूल से जितने में आपको स्लैब चाहिए वो हम ड्रॉ कर देंगे। अगर किसी स्लैब में आपको ओपनिंग चाहिए, सपोज इसमें हमें ओपनिंग चाहिए, यहाँ पे आपकी स्टेयर केस आ रही है, तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक और बाउंड्री और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी स्लैब क्रिएट होगी और जहाँ पे हमने एक और प्रोफाइल क्रिएट की थी वहाँ पे ये चीज़ ओपनिंग हो गई है। फिर गाइज नेक्स्ट इसमें आता है आपका, अब आपको जैसे इसमें ट्रेसेस यूज़ करने हैं, तो ट्रेसेस यूज़ करने के लिए आपको लेवल 2 में जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, बीम लेना है। तो बीम लिया और वापस हमने ट्रेसेस स्टील के होते हैं तो स्टील का यहाँ पे सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया बीम में। अब गाइज हम ट्रेस में जाएंगे, लोड में यस कराएंगे और स्ट्रक्चरल ट्रेसेस फोल्डर आपको यहाँ पे दे रखा है इसमें जाएंगे और यहाँ से आपको जितने पैनल्स के ट्रेसेस चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल से आपको P1 से P2 तक क्लिक करना है तो आपका ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, P1 एंड P2 सेम एज इट इज। आपको इसमें भी ट्रेस चाहिए, P1 P2 P1 P2। फिर आपको गाइज इसमें रूफ क्रिएट करनी है, आप 3D में जाके देखिए आपकी ट्रेसेस क्रिएट हो गई। तो लेवल 1 पे जाइए, आर्किटेक्चरल में जाएंगे और यहाँ पे रूफ में जाके रूफ बाय एक्सट्रूजन को सेलेक्ट करना है, तो रूफ बाय एक्सट्रूजन हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद पिक अ प्लेन एंड ओके, और एक इसका एक सामने का फेस पिक कर लिया और सेलेक्ट एलिवेशन। तो देखिए सामने से ट्रेसेस दिखने लगे। फिर ड्रॉ टूल से यहाँ से आपको करना क्या गाइज, ट्रेस के लिए ऐसे करके हमें ड्रॉ कर देना है और यहाँ से फिनिश। 3D व्यू में जाके देखिए आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका ब्रेसेस, तो ब्रेसेस यूज़ करने हैं, तो ब्रेसेस यूज़ करने के लिए जैसे हम इसको भी हटाते हैं यहाँ से, आपको हम दिखाते हैं 3D व्यू में है आप, आपको करना क्या है, वापस स्ट्रक्चर में जाना है, ब्रेस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से 3D स्नैपिंग चेक कर लेंगे और इसका P1 और इसका P2 P1, P2 डायगनली क्लिक कर देंगे। फिर ब्रेसेस को सेलेक्ट करके हम मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से हम जस्टिफिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसा कैसे जस्टिफिकेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ से हम इसको एक ऑप्शन आता है कोप,
तो अप्लाई कोपिंग के ऑप्शन लेना है इसको, और इसको सेलेक्ट करना है। तो बीच में देखिए कोपिंग से ये इसने कनेक्ट कर दिया। तो अब गाइस देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर से आप इससे फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेक्शन काटना है तो आप क्या करेंगे, लेवल पे आएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से सेक्शन टूल से आप देखिए सेक्शन काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा बीम कॉलम का सेक्शन व्यू, और यहाँ से पूरी फाइन मोड में आप चेक कर सकते हैं। फिर डायमेंशन से DI से सबको डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बीम की डेप्थ है, हाइट है, थिकनेस कितनी है फ्लोर की। तो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन पे जाएंगे तो फ्रंट आप यहाँ से सेक्शन क्रिएट किया और गो टू व्यू देखिए ये। तो गाइज आप इस तरह का कॉलम बीम का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक